आज हम बेगोनिया प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्लांट्स है ट्रॉपिकल पेरिनियल प्लांट्स है, ये प्लांट्स पार्शियल शेडेड एरिया में या कम्प्लीटली शेडेड एरिया में भी आप रखने से अच्छे से चल जाते हैं। कई बेगोनियास को थोड़ा सा सनलाइट की ज़रूरी है, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। और ऐसे फूलेज वेराइटीज़ में भी आपको काफ़ी सारे बेगोनियास मिल जाएंगे। हर प्लांट का फूलेज एंड लीफ का जो शेप है काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक रहता है, एंड ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं फूलेज वेराइटीज़। एंड ये जो है वैक्स बेगोनियास है, इसमें साल भर फ्लावरिंग रहता है। वैक्स बेगोनियास जो है आपको 3-4 कलर्स में नर्सरीज में मिल जाएंगे, पिंक, रेड, पीच एंड वाइट कलर में। एंड ये प्लांट्स जो है 50 रुपीज़ के आसपास में आपको नर्सरीज में मिल जाते हैं। एंड ये दूसरा जो है वेराइटी, इसका फूलेज आप देख सकते हो बेगोनिया, इसमें पिंक कलर का फ्लावरिंग होता है। एंड समर सीजन में ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में मैंने रखा हुआ है विंडो के पास, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अब इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। बेगोनियास जो है पार्शियल शेडेड एरिया में अच्छे से ग्रो करते हैं। कई बेगोनियास को आप थोड़ा सा मॉर्निंग सनलाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वैक्स बेगोनियास। वैक्स बेगोनियास को हल्का सा सनलाइट प्रोवाइड करने से ये अच्छे से ब्लूम करते हैं। आप इसको हार्ड सनलाइट में भी ना रखें, तो इसका जो परफेक्ट लोकेशन है पार्शियल शेडेड एरिया है, वहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लूम भी करते हैं। अब इसका वाटरिंग रिक्वायरमेंट हम बात करेंगे। आप वाटरिंग मिट्टी चेक करके कीजिए, जब मिट्टी हल्का सा सूख जाती है उस टाइम पर आप इसको वाटरिंग कर दीजिए, क्योंकि इसका जो सॉइल है कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रहना ज़रूरी है, तभी इसमें ब्लूमिंग होता है। आप इसको अंडर वाटरिंग भी ना करें, ओवर वाटरिंग भी ना करें। ओवर वाटरिंग करने से प्लांट गल जाता है और अंडर वाटरिंग करने से प्लांट सूख जाते हैं। तो इसको हमेशा रेगुलर वाटरिंग कीजिए एंड मिट्टी को कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रखिए। ये एक वेराइटी है, इसका लीफ पैटर्न अलग है, आप देख सकते हो। इसको कटिंग से ग्रो किया था एंड ये वेराइटी भी कटिंग से ही ग्रो किया है। एंड इसका जो लीफ है काफ़ी बड़ा है और इसमें हेवी ब्लूमिंग है, समर में काफ़ी अच्छे से ब्लूम करता है। इसको आप फ्रीक्वेंटली वर्मी कॉम्पोस्ट या काउ मैन्योर इन प्लांट्स को देते रहिए, तो ये अच्छे से ब्लूम करते हैं। बेगोनियास को प्रोपगेट करना काफ़ी इजी है। इसके कई वेराइटीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं नर्सरी में, तो जब भी आपको कटिंग से ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ज़रूर कटिंग से ग्रो कीजिए। तो आप इसके लिए सिर्फ 5 to 6 inches का एक हेल्दी कटिंग ले लीजिए और उसको वाटर में प्रोपगेट कीजिए। 15 to 20 days के बाद इसमें हल्का सा रूट्स डेवलप हो जाएंगे, उस टाइम पे आप इसको सॉइललेस मीडियम में रिपोर्ट कर सकते हो, तो ये अच्छे से चल जाएंगे ये प्लांट्स। तो मैंने ये बेगोनियास को सॉइललेस मीडियम में रिपोर्ट किया है। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है अभी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिए। ऐसे सॉइललेस मीडियम बना के आप इन सभी प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हो। तो इसमें ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, रूट्स भी अच्छे से स्प्रेड होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। जितने भी मेरे पास बेगोनिया के कलेक्शन है मैंने सभी आपको दिखाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।